यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट में जाने को कहा। ससुर की हत्या कर थाने पहुंची महिला एसएचओ से बोली, मेरे साथ दुष्कर्म करना चाहते थे इसलिए की हत्या। बिहार के छपरा में मंदिर से राम लक्ष्मण जानकी की मूर्ति हुई चोरी, मंदिर का ताला तोड़कर चोर लेकर हुए फरार। जेठली गोलीकांड के फरार सात आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार, पार्किंग के विवाद में हुई थी फायरिंग। बिहार के गया में पानी की टैंकर पर चढ़कर शख्स ने किया हंगामा, घटना की लाइव तस्वीर आई सामने। बेतिया में मणिपुर हिंसा पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बड़ा बयान, बोले मणिपुर हिंसा के पीछे विदेशी ताकत। बिहार के छपरा में अब भीख मांगते नहीं दिखेंगे भिखारी, सरकार देगी रोजगार। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब। पटना में बेटी की शादी के दौरान स्टेज पर चढ़ सरपंच ने बरसाई गोलियां, पुलिस कर रही जांच। बिहार सरकार ने की व्यवस्था, मणिपुर में फंसे स्टूडेंट्स को स्पेशल फ्लाइट से लाया गया पटना। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे नीतीश कुमार, विपक्षी एकजुटता को लेकर इसी महीने होगी बैठक। बिहार के बेऊर जेल में मची हड़कंप, सीढ़ी से गिरकर एक कैदी की हुई मौत, शराब मामले में था आरोपी। फसल लूटने वाला बदमाश राइफल के साथ हुआ गिरफ्तार, नजदीक कावर झील इलाके से पुलिस ने किया गिरफ्तार। फाइनेंस कंपनी में हथियार के बल पर हुई लूट, छह बदमाशों ने मैनेजर पर तानी पिस्तौल, उड़ाए 15 लाख रुपए। बारात से लौट रही गाड़ी पलटी, हादसे में 10 लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 7 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, 3 बच्चों के पिता ने की घिनौनी करतूत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के खड़गिया गांव की घटना। पटना सिटी में बागेश्वर बाबा के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन, माफी मांगने को लेकर लगे नारे। बिहार के मुजफ्फरनगर में जेसीबी की चपेट में आने से एक शख्स की हुई मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। ठेकेदार ओम प्रकाश के घर वालों से मिली गैंगस्टर मुकेश पाठक की पत्नी पूजा पाठक, आरोपी अभी भी है फरार। किराया मांगने पर रिक्शा चालक की पीट पीट कर दी गई हत्या, बिहार के छपरा गांव की घटना।